ये इनको लगाने के लिए ये बना दिए यहाँ पे ऐसे। ये वाला है विजन के लिए, जो विजन होगा ये आई मॉडल के लिए फ्रेम बना दिया भाई। इसके ऊपर यहाँ आई लग जाएंगी और यहाँ ब्रेन। अभी इसके ऊपर ब्रेन रखने के लिए लगाना है और आई इसके ऊपर चिप जाएंगी और यहाँ विजन। बाकी आगे बनाते हैं फिर उसके बाद की वीडियो में आपको दिखाऊंगा। बाकी मेहनत बहुत लगती है भाई ऐसे बनाने में, तो यूट्यूब पर ऐसे दिखाते हैं जल्दी जल्दी जैसे बना दिया हो, लेकिन बहुत समय लग जाता है भाई कटिंग करने में, ये करने में। ये मान लो अगर 5 घंटे में बनेगा तो यूट्यूब पे तो 5 मिनट में दिखा देते हैं भाई बना दिया है, लेकिन 4 से 5 घंटे लग जाते हैं इसको बनाने में। तो देखो दोस्तों मैंने अपने तरीके से कटिंग की है और इसको अंदर डाल दिया। यहाँ से पेस्ट कर दूँगा मैं इसको, ताकि अगर इसके ऊपर डायरेक्ट पेस्ट करूँगा ना तो वो मजबूती नहीं आएगी, लेकिन अब मैं इसको पेस्ट करूँगा तो मजबूती आएगी देखो, क्योंकि इसके अंदर डल गया है और पेस्ट करने के बाद अच्छी मजबूती आएगी भाई। तो अभी यहाँ पे किसी कलर का लगा दूंगा और इसके ऊपर आई चेप दूंगा जो मैंने बना रखी है, ठीक है। यहाँ विजन लग जाएगा और यहाँ इसके ऊपर ब्रेन रखने का अभी बनाना है, ऊपर का स्टैंड इसका तो ब्रेन रखने के लिए काम आएगा। ये देखो दोस्तों ये मैंने यहाँ विजन के लिए बना दिया है, यहाँ देखो ये बीच में गत्ते को फोल्ड कर दिया भाई मैंने और ये बना दिया है विजन के लिए। ये विजन इसके ऊपर विजन लगाया जाएगा और ये देखो ऊपर से दिखाता हूँ आपको, ये डबल गत्ते को फोल्ड करके पेस्ट करके और ये ऊपर से कलर शीट चढ़ा दी गई है। मुझे ये कलर अच्छा लगा इसलिए मैंने इस कलर को ले लिया भाई, क्योंकि ये कलर है ना बहुत लेट मेला होगा और जो लाइट कलर है ना वो जल्दी मेले हो जाते हैं। तो ये ब्रेन के लिए है, ये दोनों आई के बैक साइड पर्दे के लिए हैं और ये आगे आई के लिए और ये विजन के लिए। ये कंप्लीट सीट है भाई, आईज वगैरह मैंने तैयार कर रखी है वो मैं लगाते समय आपको दिखाऊंगा। अभी कर ये बंद हो गया, चलाओ विजन, आईज या आईज के अंदर रिफ्लेक्शन, ये लाइटिंग, ये ब्रेन। पाइप इसलिए नहीं लगाई है भाई ठंड होने के कारण ज्यादा हार्ड हो गई थी और जब उसको चिपका रहे थे ना और आईज के अंदर बैक साइड लगा रहे थे तो पूरी फटके आ रही थी।